हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो क्या था देखिए। और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया ना कि एक डिक्शनरी बनाई गई है, तो EMPDICT कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्लॉई की डिक्शनरी है और यहाँ पे इज इक्वल टू, अब डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर तो होता है की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, तो आपको डिक्शनरी बनाते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना होता है, ठीक है। और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर की दे देता हूं एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका की, और इसके बाद जो है कॉलन लगा करके इसकी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूं और यहां पर लिखता हूं 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे करके आपको ये लिखना है, ठीक है। अब देखिए सवाल यही है, यहाँ पर एम्प्लॉय डिक्ट नाम से बना लिया गया है, फिर एम्प्लॉय नंबर है, तो एम्प्लॉय नंबर में नंबर कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, फिर एम्प्लॉय नेम है, अब ये की है और ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू में 1, 2, 3, 4 नाम दिए गए हैं और 4 सैलरी की भी डिटेल है। तो यहाँ देखिए 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 दिया गया और फिर यहाँ डिक्शनरी को क्लोज किया गया है। और हम प्रिंट किसको करा रहे हैं ये भी देखने वाली बात है, तो हम एम्प्लॉय डिक्ट को प्रिंट करा रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय नेम जो है जीरो वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय नेम कौन सा आ रहा है, तो जीरो वाला आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम आ रहा है जीरो वाला और एम्प्लॉय डिक्ट से सैलरी पिकअप किया गया है और सैलरी भी जीरो वाला आ रहा है, यानी कि एम्प्लॉय नाम जीरो पर जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो ये जीरो यहाँ पे राज हो गया और यहाँ पे सैलरी के लिए जीरो कहा गया है, तो सैलरी के लिए 10,000 ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो एक बार इसको EMP के नाम से सेव करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वही चीज प्रिंट होती है, आपको नजर आएगी। ये देखिएगा यहाँ पर कॉमा नहीं रहता है, तो ये हटा लीजिएगा जरूर, ठीक है। अब ये हो गया, आप इसको रन कराते हैं, एक बार सेव तो कर ही लिया है, इसको रन करा देते हैं। तो ये रन करा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए राज 10,000 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कॉमा अगर आप लगा देते तो क्या होता, यहाँ पर ये कॉमा रहता तो क्या होता, ये पूरी की पूरी सीरीज नेम की प्रिंट कर देता और सैलरी 10,000 प्रिंट करता, क्योंकि इसके बीच में तो कहीं कॉमा है नहीं। देखिए यहाँ पर कहीं कॉमा नहीं दिया गया है, इनके सैलरी के बीच में और ये इंडेक्सिंग के बीच में कहीं कॉमा नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है जबकि कॉमा नहीं होना चाहिए। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉई नेम प्रिंट करेगा, राज, सीमा, जॉन, स्मिथ, ये सब आएगा, लेकिन सैलरी केवल 10,000 प्रिंट करेगा ऐसी स्थिति में, ठीक है। देखिए यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ, देखिए सेम वही चीज आ रही है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है कॉमा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया और अब इसको जब चलाइएगा तो फिर वही चीज की राज और 10,000 प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ऐसा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।